Okay, students, so now we are going to start with the structure of striated muscle. ठीक है, उसमें हम एक्टिन एंड मायोसिन वाले प्रोटीन्स का डिटेल में स्ट्रक्चर रीड करेंगे. पिछली वीडियो में वी हैव रेड अप टू सार्कोमियर, दैट सार्कोमियर्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल. सार्कोमियर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल होते हैं. सो लेट अस कम टू द एक्टिन. एन एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन्स. ठीक है, जो एक एक्टिन का फिलामेंट है वो एफ एक्टिन से मिलके बनता है, जिसकी फुल फॉर्म है फिलामेंटस एक्टिन. जैसे ये है एक फिलामेंट एक्टिन एंड दिस वन इज द नेक्स्ट फिलामेंट एक्टिन. ये क्या बना रहा है? एक्टिन बना रहा है. और ये डबल हेलिक्स, मतलब ऐसी डबल हेलिक्स की फॉर्म में ही क्या होते हैं? बाइंडेड होते हैं एक दूसरे के साथ. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमर ग्लोब्यूलर एक्टिन. ग्लोब्यूलर एक्टिन होते हैं, ये जुड़ के क्या बनाते हैं? एफ एक्टिन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, ये ग्रीन वाले दो पार्ट्स है जो स्टूडेंट्स, दीज आर द एफ एक्टिन्स. एफ एक्टिन का जो एक यूनिट है दैट इज द ग्लोब्यूलर एक्टिन. और ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन दो अदर प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. दिस इज द ट्रोपोनिन एंड ये जो रस्सी वाला स्ट्रक्चर है दिस इज द ट्रोपोमायोसिन. स्टूडेंट्स, व्हाट डू द ट्रोपोनिन एंड द ट्रोपोमायोसिन डू? दे बाइंड द मसल फाइबर इन द रिलैक्स्ड और रेस्ट स्टेट. रेस्ट स्टेट में वो बाइंड करके रखते हैं. देखो, टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन अलोंग द ग्रुप. जैसे ये हमारे दो फिलामेंटस एक्टिन है जो ग्लोब्यूलर एक्टिन से मिलके बने हैं, उसके अराउंड क्या रन करेगा? ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट्स. ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट्स उसके आगे पीछे राउंड करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, ये ट्रोपोमायोसिन का फिलामेंट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे. और ट्रोपोनिन जो है स्टूडेंट्स, फर्दर ट्रोपोनिन इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स. उसके थ्री सब यूनिट्स होते हैं और वो ऐसी जगह पे पड़े होते हैं जो रिलैक्स्ड स्टेट में मसल के स्ट्रक्चर को, मसल की लेंथ को रखते हैं. जैसे कि लॉक, लॉक और की का क्या काम होता है? जब हम गेट पे लॉक लगा लेते हैं तो गेट खुलता नहीं है, वैसे ही मसल्स के ऊपर जब ट्रोपोनिन पड़े हैं तो मसल्स क्या है? रिलैक्स्ड स्टेट में है. यहाँ पे इन्होंने यही चीज लिखी है. इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मेक्स द मास्क द सॉरी मास्क द बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स. ठीक है, बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन है जो वो क्या हो गई? बंद हो गई. एक्टिन के स्ट्रक्चर में यही चीजें हैं. फोर थिंग्स आर द मेजर. द जी एक्टिन, जी एक्टिन मतलब ग्लोब्यूलर एक्टिन. द एफ एक्टिन, द ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चार चीजें हैं आपको इसका स्ट्रक्चर याद करना और एक्टिन का स्ट्रक्चर हो गया. नेक्स्ट इज मायोसिन. स्टूडेंट्स, ईच मायोसिन फिलामेंट इज अ पॉलीमर ऑफ मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड द मेरोमायोसिन. एक मायोसिन फिलामेंट है जो वो मेरोमायोसिन की बनी है. जैसे एफ एक्टिन था वो ग्लोब्यूलर एक्टिन का बना था, तो वैसे ही मायोसिन है वो मेरोमायोसिन का बना है. मेरोमायोसिन के दो पार्ट्स होते हैं. ये जो है ये हमारा एक मेरोमायोसिन है स्टूडेंट्स. मेरोमायोसिन के दो पार्ट्स होते हैं. ये देखो, ये सारा मायोसिन फिलामेंट है, ये उसकी टेल है और ये उसका हेड है. मेरोमायोसिन हैज टू पार्ट्स, द टेल एंड द हेड. हेड जो होता है स्टूडेंट्स वो हैवी होता है, टेल जो होती है दैट इज लाइट. ठीक है,
आपको क्वेश्चन आएगा विच पार्ट ऑफ मेरोमायोसिन इज हैवी, विच पार्ट ऑफ मेरोमायोसिन इज लाइट। हैवी मेरोमायोसिन और क्रॉस आर्म इज प्रेजेंट ऑफ ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म। ये हेड है और ये उसकी आर्म है छोटी सी, ठीक है। दीज आर द हैवी पार्ट्स ऑफ मेरोमायोसिन एंड द टेल वन इज द लाइटर पार्ट ऑफ द मायोसिन। सो नेक्स्ट थिंग इज द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएस एंजाइम। ये जो ग्लोबुलर हेड है दिस इज द एक्टिव एटीपीएस एंजाइम। इसमें एटीपी को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट है जिससे क्या हो जाती है, एटीपी से एनर्जी निकलती है। इट हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। रिलैक्स्ड स्टेट में स्टूडेंट्स क्या होता है, हमने देखा था जहां पे ट्रोपोमायोसिन लगा वहां पे हेड ऑफ मायोसिन जाके लग जाता है। यहाँ नेक्स्ट डायग्राम में आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब इसमें आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्टिन प्रोटीन, दिस इज द मायोसिन प्रोटीन। मसल की रिलैक्स स्टेट में जो मायोसिन का हेड है वो ट्रोपोनिन साइट पे लगा होता है, और जब मसल का एक्शन शुरू करना है तो क्या होगा, ये हेड हट के दूसरी साइड पे चले जाएंगे जिससे मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारी जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी है दैट इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर्स अकर बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट्स कौन से है, एक्टिन। थिक फिलामेंट्स कौन से है, मायोसिन। तो देखो जब एक्टिन, ये हमारा एक्टिन पड़ा है, जब एक्टिन के ऊपर मायोसिन आ जाता है तब हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मसल का एक्शन होना क्या है, शुरू हो जाता है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के 10 स्टेप्स हैं। आपको डेफिनेशन ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी याद करनी है एंड आगे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के स्टेप्स करते हैं। लेट अस सी फर्दर। Okay, students, so first of all, an impulse from the neuron reaches the neuromuscular junction via motor neuron. Suppose करो कि किसी ने हमारे ब्रेन ने स्टिमुलस लिया कोई भी, या तो हमें कुछ दिखा या हमें कुछ सुना, जिससे क्या हो गई, हमारी ब्रेन एक्टिवेट हो गई, ब्रेन ने मसल्स को ऑर्डर दिया कि वो चलेंगे, ठीक है। ब्रेन ने मसल्स को ऑर्डर दिया कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो क्या हुआ, इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज जनरेटेड एंड वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंच गया। मतलब जहां पे नर्व्स और मसल्स का जंक्शन हो रहा है, जहां पे नर्व्स और मसल्स मिल रहे हैं वहां पे हमारा जो इम्पल्स है वो पहुंच गया। मोटर न्यूरॉन मतलब सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के यहाँ पे पार्ट्स लिखे हुए हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के यहाँ पे पार्ट्स लिखे हुए हैं दैट देयर इज अ सिनैप्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा के अंदर जो है एक सिनैप्स, मतलब यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट होती है। आप ये डायग्राम देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये वाली डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है और मोटर न्यूरॉन क्या बना रही है, मोटर न्यूरॉन मतलब मसल फाइबर और नर्व फाइबर मोटर यूनिट बना रहे हैं। सबसे पहले स्टेप में हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, बस आपको इतना याद रखना है कि ब्रेन ने क्या दिया, ब्रेन ने सिग्नल दिया मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने का। तो सिग्नल भी किसी तरीके से दिया होगा, जब ब्रेन ने सिग्नल दिया तो सिनाप्टिक वेसिकल्स, यहाँ पे सिनाप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है, ये क्या है हमारी नर्व। नर्व ने क्या किया, नर्व ने एसिटाइल कोलीन सिक्रीट किया। नर्व ने जब एसिटाइल कोलीन सेक्रीट किया तो यहाँ पे नीचे वाली साइड एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। इट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा दैट स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर्स
एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में फैल गया और मसल फाइबर्स में भी फैल गया. सो इट कॉजेज अ रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन्स फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टोने इनटू द सार्कोप्लाज्म. तो कैल्शियम आयन्स जो थे वो रिलीज होना शुरू हो गए सार्कोप्लाज्मिक सिस्टोने टू द सार्कोप्लाज्म. सार्कोप्लाज्मिक सिस्टोने में से सार्कोप्लाज्म के अंदर सारे जो कैल्शियम आयन्स है वो सिक्रीट होने शुरू हो गए. सो इन दिस वे दिस थिंग हैपन्ड. सबसे पहले हुआ क्या, ब्रेन ने सिग्नल दिया, ब्रेन के सिग्नल से नर्व्स ने एसिटाइलकोलीन सेक्रेट किया. एसिटाइलकोलीन जब सेक्रेट हुआ तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ. एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने से मसल के अंदर कैल्शियम आयन सेक्रेट होने शुरू हुए. कैल्शियम आयन सिस्टोने से सार्कोप्लाज्म में चले गए. उसके नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, उसके नेक्स्ट स्टेप में कैल्शियम आयन अब जहां पे ट्रोपोनिन पड़ा था स्टूडेंट्स वहां पे कैल्शियम आयन बाइंड कर गए. हमने बोला था कि जब यहाँ पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट है और कैल्शियम आयन बाइंड कर रहे हैं, मतलब ट्रोपोनिन जब बिना कैल्शियम के है तो दैट इज अ लॉक. जब वहां पे कैल्शियम लगे तो दैट इज द की. अब चाबी खुल गई, चाबी खुल गई तो मसल की क्या है, मसल की मूवमेंट होनी शुरू हो गई. यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि मसल की मूवमेंट हो रही है. उसका जो ये हमारी रिलैक्स्ड स्टेट है, यहाँ पे उसने क्या किया, एक्टिवेट हुआ, आगे की तरफ आया, कॉन्ट्रैक्शन हो गई मसल की, और आगे की तरफ आ गया, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी. तो मसल क्या हो गई, एक टाइप से छोटी हो गई. स्टूडेंट्स कैल्शियम बाइंड्स विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट से एक सब यूनिट से कैल्शियम बाइंड कर जाता है, जिससे क्या होता है, हेड के ऊपर मायोसिन अपने हेड के ऊपर क्या करता है, एटीपी को रिलीज करना शुरू करता है और एनर्जी रिलीज, और एटीपी को डिहाइड्रोलाइज करना शुरू कर देता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है. एनर्जी के रिलीज होने से जो उसका हेड है वो आगे की तरफ आ गया. अब जब स्टूडेंट्स हेड आगे की तरफ आ गया, किसका हेड आगे की तरफ आ गया, मायोसिन का हेड, मीरोमायोसिन का हेड आगे की तरफ आ गया. दिस पुल्स द एक्टिन फिलामेंट्स ऑन बोथ साइड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ए बैंड. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ए बैंड, ए बैंड की सेंटर की तरफ जब हम हमारे एक्टिन फिलामेंट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी मसल क्या हो रही है, छोटी हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. दिस इज अ वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो एक टाइप से हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो गई. इन द नेक्स्ट स्टेप लेट अस सी व्हाट हैपेंस. नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो जेड लाइन इज अटैच्ड टू एक्टिन्स एंड इट इज आल्सो पुल्ड इनवर्ड्स. जो जेड लाइन पे बेसिकली एक्टिन्स लगे हैं वो भी क्या हो गया, इन अंदर की तरफ हो गए. तो सार्कोमियर छोटा हो रहा है और ज्यादा छोटा हो रहा है. आई बैंड में क्या हो गए, छोटे हो गए, और ए बैंड क्या हो गए, लंबे हो गए. आई बैंड का मतलब है लाइट बैंड क्या हो गए, छोटे हो गए, और डार्क बैंड क्या हो गए, लंबे हो गए. अब मायोसिन हेड ने क्या किया, मायोसिन हेड में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि उसके पास एटीपीएस एंजाइम है. एटीपीएस एंजाइम ने हाइड्रोलाइज कर दिया एडीपी एंड फॉस्फेट को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. पीआई का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. एटीपी जब टूटता है स्टूडेंट्स, ट्राई फॉस्फेट में से डाई फॉस्फेट निकल गया और एक फॉस्फेट क्या हो गया, अलग हो गया एंड गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट. अब ये जब एडीपी उसने निकाल दिया तो उसके बाद क्या होगा, फिर से जो मायोसिन हेड है वो रिलैक्स स्टेट में हो जाएगा और हमारी जो मसल है स्टूडेंट्स, हमारी मसल इज टू द नॉर्मल स्टेज पे अपनी वापस आ जाएगी. अगर वहां पे हमें ज्यादा जरूरत हुई, और भी ज्यादा जरूरत हुई कॉन्ट्रैक्शन की, तो यही प्रोसेस चलता रहेगा और फर्दर क्या होती रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिससे हमारी मसल की मूवमेंट चलती रहेगी एंड इन दिस वे वी आर एबल टू लोकोमोव. अब कैल्शियम आयन्स क्या हो गए, जब हमारे ब्रेन ने बंद कर दिया सिग्नल कि जहां पे मुझे जाना है, सपोज करो कि मुझे अपनी मदर के पास जाना है, जब मैं अपने मदर के पास पहुंच गई तो मेरे ब्रेन को सिग्नल दे दिया मसल्स को कि यहाँ पे मेरे पैर रुक जाने चाहिए. जब मेरे पैर रुकेंगे, मेरे पैर रुकेंगे कैसे, जब कैल्शियम आयन्स जो सिक्रीट हुए हैं वो वापस चले जाएंगे. कैल्शियम आयन्स आर पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सिक्रीट किए थे, उसी के अंदर वापस चले गए और फिर जब जरूरत पड़ेगी फिर से बुला लेंगे उसको एंड दिस पोजीशन इज रिलैक्सेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल. बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल
सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने एक सिग्नल दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिग्नल की हेल्प से क्या हो रही है, एसिटाइल कोलीन सेक्रीट हो रही है, एसिटाइल कोलीन जब सेक्रीट हो रहा है तो उसके बाद हमारा कैल्शियम आयन सेक्रीट हो रहे हैं मसल्स के अंदर, कैल्शियम आयन ने सेक्रीट करके क्या कर दिया, ट्रोपोनिन से बाइंड कर दिया, ट्रोपोनिन से जब कैल्शियम आयन बाइंड हो गए, मायोसिन ने क्या किया, एटीपी को यूज किया, एटीपी को यूज करके उसने कॉन्ट्रैक्शन कर दी, मतलब अपना साइज छोटा कर लिया, अपना साइज छोटा कर लिया तो अल्टीमेटली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, अगर मेरी आर्म लॉन्ग पड़ी है लेंथेंड है तो वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, मतलब अपने आप ही ऊपर की तरफ आने लग जाएगी, तो इसी तरीके से मेरे हैंड्स की, मेरे लेग्स की या किसी भी ऑर्गन की मूवमेंट क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, द रिएक्शन ऑफ द टाइम ऑफ द फाइबर्स वेरी इन डिफरेंट मसल्स, डिफरेंट मसल्स में डिफरेंट टाइम ऑफ रिएक्शन होता है कि कितनी देर में ये एक्शन, मायोसिन का हेड कितनी देर में ऊपर आएगा। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जैसे हम पहले दिन देखो, आपको छुट्टियां हैं, अभी आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, जब स्कूल शुरू होंगे तो एकदम से आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, तो जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी में, आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड सिक्रीट हो एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, मसल फैटीग, मतलब मसल्स क्या हो जाएंगी, थक जाएंगी। This is due to anaerobic breakdown of glycogen. ये आपको पता ही है कि जो हमारा anaerobic reaction है वो हो रहा है। अब students, red muscles and white muscle fibers क्या होते हैं? Red muscle fibers are red colored due to presence of myoglobin. जैसे हमारे blood में hemoglobin होता है वैसे ही myoglobin होता है, बस वो मसल्स में प्रेजेंट है तो इसको मायो बोलते हैं। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर को सार्कोप्लाज्म, वैसे ही हेमोग्लोबिन को मायोग्लोबिन बोलते हैं। अब जिस मसल्स के पास मायोग्लोबिन है वो तो बिल्कुल नहीं थकती है, लेकिन जिस मसल्स के पास मायोग्लोबिन नहीं है वो व्हाइट कलर की और वो थक जाती है। तो इसकी रेड और व्हाइट मसल्स में यही डिफरेंस है। Red muscle fibers are red color due to myoglobin and white muscle fibers are white color due to less myoglobin. Red muscle fibers के अंदर more mitochondria होता है और white muscle fibers के अंदर less mitochondria. यहाँ पे aerobic metabolism हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि myoglobin क्या करता है, oxygen को bind कर लेता है, ठीक है, और white muscle fibers क्या करती है, anaerobic करती है, तो इसीलिए इनकी जो slow contraction होती है वो slow होती है और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होती है दैट इज कंपैरेटिवली फास्टर। आई होप यू गॉट दिस। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेड मसल्स एंड व्हाइट मसल फाइबर्स का। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। एंड द गुड न्यूज इज कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट द बैड न्यूज इज कि मैं आपको उसकी इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट यू शुड नो द इंट्रोडक्शन टू द स्केलेटल सिस्टम। सो बेसिकली व्हाट इज द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन्स भी होती है और कार्टिलेजेस भी होती है। बोन्स का जो मैट्रिक्स है दैट इज वेरी हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम डेपोजिशन की वजह से हमारी बोन्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होनी भी चाहिए। अगर हमारी बोन्स नहीं स्ट्रॉन्ग होंगी स्टूडेंट्स तो वी विल नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली। कार्टिलेज हैज स्लाइटली लेस प्लायबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट। मैट्रिक्स जो होता है उनका प्लायबल नहीं होता है, प्लायबल का मतलब मूवेबल नहीं होता, ना ही जेली लाइक होता है ना ही लिक्विड लाइक होता है, मूवेबल नहीं होता है क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं, कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब, कार्टिलेज में तो प्लायबल होता है हमारा जो मैट्रिक्स है, दैट इज आप देख सकते हो कि कार्टिलेज में जेली लाइक, जेली से थोड़ा सा ज्यादा सॉलिड लेकिन सॉफ्ट होता है उसका जो मैट्रिक्स होता है, क्योंकि उसमें कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट होते हैं। हालांकि बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम सॉल्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर एक्सियल स्केलेटन है
एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन है. एक्सियल स्केलेटन इज कंसिस्टिंग ऑफ द 80 बोन्स, आपको इतना याद रखना है. उसमें हेड की बोन्स आ रही है, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स. एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होते हैं. वो सारी साइड वाली जो बोन्स है, फोर लिम्स, हाइंड लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल की बोन्स. तो बेसिकली हमारे हेड के अंदर स्टूडेंट्स देयर आर 29 बोन्स. दे इंक्लूड द स्कल, द हायोइड रीजन. स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स, द हायोइड कंसिस्ट ऑफ 1 बोन एंड द ईयर ऑसिकल कंसिस्ट ऑफ 6 बोन्स. नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स द क्रेनियल बोन्स. क्रेनियल मतलब ब्रेन के, ब्रेन को सराउंड करने वाली बोन्स जो होती है 8 इन नंबर एंड द फेशियल बोन्स जो होती है 14 इन नंबर. जो क्रेनियल बोन्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे टेम्पोरल, पराइटल्स, ऑसिपिटल, स्पिनॉइड, इथमोइड ये सारी बोन्स इंक्लूडेड है. एंड फेशियल बोन्स तो आपको पता ही है, इसमें नेजल भी है, चीक बोन्स भी है, पैलेटाइन्स, मैक्सिले एंड मैंडिबुलर बोन्स. सो दिस इज द थिंग दैट स्कल, स्कल ओनली स्कल जो है वो क्या करता है, 22 बोन उसमें होती हैं. एंड टोटल जो अपेंडिकुलर हमारा स्ट्रक्चर है उसमें क्या होती हैं, 80 बोन्स होती हैं. नेक्स्ट आर स्टूडेंट्स what is the hyoid bone. You can see in the diagram there is a U-shaped bone that is present in the buccal cavity. आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, this bone is the hyoid bone because ये face के साथ ही present है. Thus it is known, it is the pass of a part of facial bone only. Next आ गई है हमारी bones of the head, that is 29 in number. इसमें क्या आ रहे हैं, हमारे सारे ear ossicles आ रहे हैं, the malus, incus and stapes. Next is the occipital. Occipital are the eye, जिसके अंदर हमारी eyes पड़ी हैं, that they are the occipital. Then is the vertebral column. Vertebral column के अंदर हमारा क्या है, 26 vertebras present है. They are of 5 types. और vertebra क्या cover कर रहा है हमारा, neural canal जो है वो सारा हमारा vertebra cover कर रहा है. Next is the sternum. Sternum is known as the breast bone. It covers the chest area. Sternum ke baad kya hai hamari? Sternum is basically the middle part. And sternum ke baad kya rahe hai hamare ribs. Ribs are of 3 types. The true ribs. Vertebrochondral false ribs. And the floating ribs. You have to remember the name. फिलहाल तो अभी ये सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू रिमेम्बर द नेम. नेक्स्ट इज द एक्सियल स्केलेटन. सॉरी, नेक्स्ट इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारे फोर लिम्स आ रहे हैं. स्टूडेंट फोर लिम्स के अंदर हमारी 60 बोन्स है. एक आर्म के अंदर, वन आर्म इज कंसिस्टिंग ऑफ द 30 बोन्स, जिसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फिलेंजेस आ रहे हैं. देन आर द लिम्स, देन आर द 60 बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स. हाइंड लिम्स के अंदर फीमर, पटेला, टीबिया, फिब्युला, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स एंड अगेन द फिलेंजेस. बिकॉज हमारे हाथ और पैर का स्ट्रक्चर सेम होता है, सो ये जो टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स एंड फिलेंजेस है
वो सेम होती है, लेकिन इसका साइज क्या होता है, डिफरेंस डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स. द स्ट्रक्चर इज सेम बट द साइज इज डिफरेंट. देन इज अ पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ फोर बोन्स. Then are the pelvic girdles and it consists of the two bones. Then there are joints. Joints consist of the immovable joints, the cartilaginous joints and the synovial joints that are the movable joints. Then there are the fibrous joints. Fibrous joints are the immovable joints, cartilaginous joints are the join the basically bones with the bones, and synovial joints are the total movable joints. Okay students, so that was all about today's class. I hope you got it. I hope you liked the video. Thanks for watching and have a nice day.